वेलकम बी है आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा फेशियल शेयर करती हूँ पहले आप बताइए मेरा फेस अच्छा लग रहा है ना ग्लो ग्लो सा दिख रहा है ना मेरे फेस पर बहुत अच्छा हेल्थी सा मुझे फील हो रहा है की मेरी स्किन बहुत अच्छे से नरिश हो गई है तो मैंने आज एक बहुत अच्छा फेशियल किया दैट इज कर्ट फेशियल तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टेप्स ऑफ द कर्ट फेशियल आई वुड लाइक टू शेयर ऑल द बेनिफिट ऑफ कर्ट विच आर गुड फॉर अवर स्किन तो कर्ड में लैक्टिक लेक, एसिड होता है और कर्ड इज रिच इन विटामिन एज वेल एज इन प्रोटीन कर्ड बहुत रिच होता है कैल्शियम में तो ये सारी प्रॉपर्टीज कर्ड को बहुत अच्छा बनाती है हमारी स्किन के लिए अब कर्ड में जो लैक्टिक एसिड होता है वो हेल्प करता है डेड स्किन सेल्स को डिजोल्व करने में और न्यू स्किन सेल्स को जनरेट करने में कर्ड में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो पिंपल्स uh, या एक्ने uh, आ जाते हैं स्किन पर वो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के कारण आ जाते हैं मींस बॉडी में ज्यादा एक्सेसिव हीट के कारण हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल बाहर आ जाते हैं तो कर्ड एक बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है ये उसको भी रोकने में मदद करता है फिर ड्राई स्किन वालों के लिए कर्ट तो बहुत बेस्ट है उनको तो कर्ट फेशियल करना ही चाहिए ट हमारी स्किन को अंदर से जाके क्लीन करता है और एक बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है ग्लो और फ्लॉलेस स्किन प्रोवाइड करता है कर्ट फेशियल इज बेसिकली अ होम बेस्ड फेशियल ये बहुत अच्छा फेशियल है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है तो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कर्ट फेशियल में सिर्फ चार ही स्टेप्स होते हैं क्लिनजिंग होता है फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप होता है स्क्रबिंग आपको अपनी स्किन को स्क्रब करना है अच्छे से एक्सफोलिएट करना है थर्ड स्किन थर्ड स्टेप होता है आपका मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग या मसाज करना है आपको अपनी स्किन को और जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है पैक का फेस पैक का तो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लीन क्लीजिंग क्लींजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया वन टेबल स्पून ऑफ कर्ड उसमें मैंने डाला थोड़ा सा लेमन जूस लेमन जूस रिच इन विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को डीपली जाकर क्लीन करता है एक अच्छा फेयरनेस लुक प्रोवाइड करता है और कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ बहुत अच्छा नेचुरल क्लींजर भी है ये डीपली हमारी स्किन में पेनिट्रेट होकर हमारी स्किन को क्लीन करता है और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को लूज करता है अच्छे से हमको टू मिनट्स तक मसाज करना है क्लीन अप करना है और उसके बाद हमको नॉर्मल टैप वाटर से फेस को वॉश कर लेना है क्लिनिंग करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रब स्क्रब करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वन टेबल स्पून ऑफ कर्ड उसमें मैंने डाला सेम वन टेबल स्पून ऑफ़ चावल का आटा या राइस फ्लावर डाला मैंने उसमें राइस फ्लावार हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा वाइटनेस इफेक्ट प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से हाथों पर लेकर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रब करा स्क्रब हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है और स्किन में एक ब्राइटन अप प्रोवाइड करता है स्किन को ब्राइट करता है चावल का आटा और जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में लूज हो गए थे उनको ये निकाल देता है और ओपन पोर्स को ये क्लोज कर देता है पोर्स ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देता है स्किन में जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको भी सॉल्व कर देता है स्क्रबिंग स्क्रबिंग इज द मेन स्टेप ऑफ द फेशियल सो हमको टू मिनट्स या थ्री मिनट्स तक स्क्रब करना है आप देखेंगे कर्ड हमारी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्व हो चुका है नॉर्मल टैप वाटर से स्क्रब को वॉश करने के बाद थर्ड स्टेप है फेस मसाज का और मसाज के लिए मैंने लिया है वन टेबल स्पून ऑफ कर्ड और उसमें थोला सा डाला एलोवेरा जेल एक क्रीमी टेक्स्चर हमको बनाना है मिक्स करके और एक क्रीमी टेक्चर से जो क्रीम हमारी बनी हुई है मिक्स करके उसको हमें अपनी स्किन को बहुत सॉफ्टली जेंटली अपने स्किन पर मसाज करना है ऐसे देखिए कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे फेशियल करते हैं नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं बोलना है यहाँ पर ज़्यादा ब्लैकनेस होती है नेक एरिया पर नोज के चारों तरफ अंडर आइज में तो बहुत अच्छे से हमको टू मिनट्स तक कुछ इस तरीके से फेशियल स्टेप्स करते हुए टू टू फाइव मिनट्स जितना आपको अच्छा लगे आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी इस स्टेप के बाद आपको टू मिनट्स तक बहुत अच्छे से क्लीन करना है फिर उसके बाद क्लीन करते जाइए और उसके बाद आपको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है फिर आता है लास्ट स्टेप जो है फेस पैक फेस पैक के लिए मैंने लिया है वन टेबल स्पून ऑफ कर्ड उसमें मैंने डाला थोड़ा सा बेसन जो एक अच्छा पेस्ट बना देता है बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एक ब्राइटन अप लुक प्रोवाइड करता है उसमें मैंने डाला हल्दी हल्दी इज कम्पलीटली ऑप्शन थोड़ा पिंपल की प्रॉब्लम थी इसलिए हल्दी को ऐड करा क्योंकि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोवाइड करती है और इन एक्ने और पिंपल्स को नहीं होने देती एक्ने और पिंपल्स से फाइट करती है ये हमारा फेस पैक तैयार है इसको फाइव टू सेवन मिनट्स तक आपको रखना है जब तक कि ड्राई ना हो पाए इट डिपेंड्स ऑन यू फिर इसको भी आपको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है और उसके बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर या टोनर लगा लेना है फिर देखेंगे आप ग्लो कितना तो बताइए आपको ये फेशियल कैसा लगा अगर ये फेशियल अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन सी नेचुरल होम रेमेडी चाहिए हेयर केयर से रिलेटेड स्किन केयर से रिलेटेड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल बाय बाय